लखीमखीरी में मंत्री और मंत्री पुत्र द्वारा किसानों को रौंदे जाने के विरोध में प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी, तभी उनको पुलिस प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इसी तानाशाही रवैये के विरोध में निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित को भी थाना जैतपुर पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, किंतु निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित की जिद से पुलिस उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं कर पाई। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने तहसील बाग के मुख्य द्वार पर कांग्रेसियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही उप जिला अधिकारी बा अब्दुल बासित को ज्ञापन दिया। वहीं निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कहा कि योगी और योगी सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं, उन्हें निर्दोष किसानों की हत्या करने में भी शर्म नहीं आई। योगी में शर्म बची हो तो उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस की निवर्तमान जिला अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरा से रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। आज किसान किसान अन्नदाता है, किसानों की आज कुचलकर हत्या करवा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नुमाइंदे मंत्री जी, उनकी गाड़ियों से आठ किसानों की हत्या हो गई। लेकिन धन्य है हमारी प्रियंका जी, निडर होके उन किसान परिवार से मिलने जा रही है। देखिए ये सरकार का तमाशा कि सरकार उनके खिलाफ उनको अरेस्ट कर रही है। अरे धिक्कार है ऐसे सरकार के नुमाइंदों को, मंत्रियों को, कि उनको जरा सा भी दिल नहीं पसीजा कि आखिर वो भी किसान के बेटे हैं। तो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए धरने पर बैठे हैं कि हमारे नेता को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और हमारे जो किसान वो कुचल के जिनकी हत्या करवा दी गई है उनको, उनके हत्यारों को फांसी हो और योगी मोदी जी इस्तीफा दें। ये हमारा किसान 10 महीने से बैठा हुआ है सड़कों पर और उसके बावजूद भी उनकी आंखों में जू नहीं देख रहा कि ये उसको उनकी मांगों को माने। जो तीन कानून काले कानून है उनको वापस लें अन्यथा, और जो उन्होंने कल लखीमपुर खीरी में हमारे आठ किसान भाइयों की हत्या कर दी, वो भी गाड़ी से कुचल कर, वो केंद्र के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा की गई। हमारी योगी से मांग है कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और प्रियंका जी को छोड़ा जाए, छोड़ के उनको लखीमपुर किसानों के परिवारों से मिलवाया जाए।